जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो यार बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यूपीएससी की तरफ से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जो जेई का नोटिफिकेशन है, जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है, फाइनली वो रिलीज कर दिया गया है। डिटेल में बात करेंगे सारी चीज़ों की। ऑल इंडिया से आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं, चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, और टोटली फ्रेशर कैंडिडेट जो है वो इन पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल होने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर की जॉब होने वाली है, नाम ही यूपीएससी जुड़ा हुआ है। आप लोग समझ ही सकते हो कि यूपीएससी ने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली है, और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि यूपीएससी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकालता है। तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जॉब होने वाली, बहुत बड़ा मौका है गाइस, जाने मत देना। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया, और ये मौका जो है वो जाने मत देना, बहुत बड़ी अपडेट है। और सबसे बड़ी चीज, डिग्री हो या डिप्लोमा, दोनों तरीके के कैंडिडेट जो है वो इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। तो डिटेल में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी काम की चीजें थी वो सारी मैंने बाहर निकाल रही हैं, और आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो टेंशन की कोई बात नहीं, दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, सारी चीजें बात करेंगे। देखिए यहां पे बोला गया यूपीएससी ओआरए। ओआरए का मतलब क्या है? ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए नोटिफिकेशन आप लोगों का है, यूपीएससी की तरफ से है। सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आप देख लेना, 07/2023। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर से ही आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी वैकेंसी यहाँ पर है। पोस्ट नेम क्या है तो आप लोग देख सकते हो, जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट ये निकाला गया है। देखिए यहाँ पे बात करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं आप लोग के 8 अप्रैल से, और जो लास्ट डेट होने वाली है आप लोग की वो 27 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल होगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सर फीस कितनी रहेगी। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को मात्र 25 रुपीज़ जो है वो फीस पे करनी है एससी एसटी के, या फिर अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी, या फिर आप लोग फिजिकल हैंडीकैप हैं तो भी यहाँ पर आप लोग को कोई भी फी पे नहीं करनी। और देखिए ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनको भी यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर आप लोग अपना जो प्रिंट है वो करके रख लेंगे, क्योंकि बाद में सिलेक्शन के टाइम पर आप लोगों को चाहिए होगा, और एग्ज़ाम डेट जो है वो आप लोगों को बता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया, उसके बारे में भी जो है हम डिस्कशन करेंगे। एनी वेयर इंडिया, आप इंडिया में कहीं से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज की बात करें तो 30-40 ईयर्स जो है आप लोगों के लिए मैक्सिमम एज होनी चाहिए, और कोई भी यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस वगैरह नहीं रखा गया है। 146 जो है वो टोटल पोस्ट होने वाली हैं जो ये इस रिक्रूटमेंट में आप लोगों की बोली गई है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट नेम आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर है, और सिविल की अगर हम बात करें तो सिविल जूनियर इंजीनियर की कितनी पोस्ट है, तो टोटल 58 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर 20 पोस्ट आप लोग के लिए होने वाली है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 16 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो 48 पोस्ट है यहाँ पर। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो 1 पोस्ट है। आर्किटेक्ट की बात करें तो 1 पोस्ट है। रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट निकाली गई है, और रिसर्च ऑफिसर की यहाँ पर 1 पोस्ट है योगा में, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन अगर हम बात करें किस किस के लिए, सिविल वालों के लिए 58 और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 20, तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप बात करो तो 78 पोस्ट हैं। और आप लोगों को मालूम है कि फीस इतनी कम रखी गई, केवल 25 रुपीज़, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा यार होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए बोला गया है कि अगर आप लोग के पास डिग्री या डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही सुना आपने, या तो आप लोग के पास डिग्री हो या आप लोग के पास क्या होगा डिप्लोमा हो। डिग्री या डिप्लोमा अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और प्योर फ्रेशर कैंडिडेट, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो यहाँ पर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आप लोग के पास है इलेक्ट्रिकल में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी और ही भी आप लोग की ये पोस्ट हैं, लेकिन ये आप लोग के इंजीनियर्स के लिए नहीं है, तो ये मैंने इसको अलग कर दिया। बाकी हमारी जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर ये दो पोस्ट है। टोटल कितनी है, 78 जो जूनियर इंजीनियर की हैं। इसके साथ ही देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने बोला था एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग का 07/2023, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आप लोग देख लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है आप लोग का ओआरए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आप लोग का ये है।
वैकेंसी डिटेल पर जब आप जाओगे तो इस तरीके से पॉइंट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप 6 पॉइंट पर पहुँचोगे तो वहाँ पर साफ साफ बोला है कि 58 वैकेंसी आप लोग की हैं किसके लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि SC ST OBC वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, वो भी इन्होंने अलग से क्लेरिफाई कर दिया। साथ में नीचे इसी पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने साफ साफ बोला डिप्लोमा या फिर डिग्री आप लोगों के पास सिविल इंजीनियरिंग में होना कंपलसरी है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आप लोग देख लीजिए इस चीज को। वैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए उन्होंने बोला 20 वैकेंसी हैं, और साथ में इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बता दिया है कि किसके लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में साफ साफ बोला डिप्लोमा या डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स की मैंने बताई दिया आप लोगों को, यहाँ पे 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो आप लोगों की 27 अप्रैल यहाँ पर होने वाली है। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, फॉर्म अप्लाई कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में फिर दिक्कत आती है। उसके साथ ही यहाँ पे देखो इन्होंने बोला सिटीजन की बात करें तो आप इंडिया के सिटीजन हैं, नेपाल के हैं, या फिर आप भूटान के हैं, या फिर रिफ्यूजी हैं आप तिब्बत वगैरह के, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैंने आप लोगों को बताई दिया, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एज लिमिट आप लोगों की 30 ईयर्स यहाँ पर रखी गई, 30 to 40 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट आप लोगों की रखी गई। मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई दिया, डिप्लोमा होना कंपलसरी है यहाँ पर, सॉरी मिनिमम डिप्लोमा होना जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि डिप्लोमा है, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो दोनों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर नोट पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है कि इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, अगर आप लोगों के ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन जाते हैं यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन हो जाते हैं, तो कमीशन विल अडोप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर हम जो है वो इंटरव्यू कराने वाले हैं। देखिए यही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने बोला कि हम इंटरव्यू कराने वाले हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ गए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देंगे, मान लो परसेंटेज क्राइटेरिया रखें या कुछ भी क्राइटेरिया रखें, वैसे इन्होंने बोला कि क्या क्या क्राइटेरिया हम रखने वाले, तो उस क्राइटेरिया के बेस पर क्या है उसको वैल्यू दी जाएगी, उसको प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग ये करने वाले हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, जब पहले UPSC JEE की वैकेंसी आई थी तो इन लोगों ने एग्ज़ाम लिया था, ठीक है, क्या लिया था एग्ज़ाम, और उसका जो सिलेबस था, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, उसका जो सिलेबस था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे SSC JEE का होता है, उसमें 50 मार्क्स का GK, 50 मार्क्स का आप लोग का रीजनिंग और 100 मार्क्स का आप लोग का टेक्निकल, ये सब उसमें था जो पहले एग्ज़ाम हुआ था, जो पहले UPSC JEE की वैकेंसी आई थी। तो इस चीज़ को आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना कि इंटरव्यू इन्होंने अभी बोला, लेकिन ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन हो गए तो हो सकता है वो लोग एग्ज़ाम भी जो है वो कंडक्ट कराएं। इन्होंने बोला कि अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो उसको उसमें जो वैल्यू दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो किस किस को दिया जाएगा, सबसे पहले डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप लोगों की देखी जाएगी, फिर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उसके बाद हायर एक्सपीरियंस, अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो उसको भी वहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, और एक्सपीरियंस भी आप लोगों का काउंट किया जाएगा। तो इन चीजों को भी जो है ध्यान में रखा गया है कि अगर ये चीज है तो भी आप लोगों को वहां पे प्रेफरेंस दिया जाने वाला है, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है, बाकी मैंने आप लोगों को बताया था इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप EWS या फिर अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं तो 50 मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए, जो मिनिमम लेवल रखा गया है सुटेबिलिटी का इंटरव्यू का। OBC के लिए 45 मार्क्स, SC ST के लिए आप लोगों का 40 मार्क्स होने कंपलसरी हैं, जो ये क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अभी इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, तो जैसे इनका कोई भी क्लेरिफिकेशन आता है तो आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सिविल ओरिएंटेड चैनल है, बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा फ्री में, आप लोग उसको इन्जॉय कर सकते हो। इसके साथ ही इन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि यहाँ पे ये भी बोला इन केस वेयर सिलेक्शन इज मेड बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट, अगर इन्होंने बोला कि अगर टेस्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू करा जाता है तो वहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह भी होगा, रिक्रूटमेंट भी होगा, तो फाइनली इंटरव्यू तो होना है लेकिन रिक्रूटमेंट लेंगे या नहीं लेंगे वो बाद की बात है, ये भी इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। एप्लीकेशन फीस मैं आपको बता ही चुका हूँ, 25 रुपीज़ यहाँ पर होने वाली है अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। कैसे आप लोगों को अप्लाई करना, तो किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हो इसकी UPSC की, वो मैंने आप लोगों को दे दिया है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप लोग जा सकते हो UPSC.com पे, तो वहाँ से भी आप लोग इसको देख लोगे। बाकी अप्लाई करने का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप इसको सिंपल अप्लाई कर दो। अब देखो अगर आप सिविल के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोग के लिए है। आप लोगों को मालूम है कि हमारे लक्ष्य बैच से काफ़ी स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए थे SSC JEE में, तो इस बार भी हमारा लक्ष्य 2.0 बैच आ गया है। यहाँ पे देख सकते हो लक्ष्य बैच की सफलता के बाद अब आ गया है लक्ष्य 2.0, जो SSC JEE 2023-24 के लिए होने वाला। आप लोगों को मालूम है कि सितंबर या अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो तैयारी तो आप लोग को यार पहले से ही करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर आपको प्यास लगी है, ऐसा थोड़ी ना तभी कुआं खोदोगे,
भाई कुआं तो पहले से खोद के रखना पड़ेगा ना, ताकि जब प्यास लगे तब आप उसका पानी पी सको, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, लक्ष्य है तो मुमकिन है। पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगी, रीजनिंग, जीके, जीएस, सिविल इंजीनियरिंग, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, मिक्स जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है या फिर एमसीक्यू टेस्ट, वो सारी चीज़ें जो मिलती हैं, डाउट सेशन, वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी आपको गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है वीआईपी सिविल गुरु। ये सब आप लोग को एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। बाकी आपको कोई डाउट रहता है तो 8077283538 पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो बैच चल रहा है हमारा सुदर्शन बैच, एग्जाम कोई भी हो क्वेश्चन हमारा होगा, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के डिस्कस कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सुदर्शन बैच में, जितने भी क्वेश्चन है वो सब पीवाईक्यू के, वो ऑल इंडिया एजेई एग्जाम के क्वेश्चन आप लोग के लिए होने वाले। तो 25,000 पीवाईक्यू का ये आप लोग का बैच चल रहा है, इसमें आप देख सकते हो एसएससी जेई, स्टेट जेई, स्टेट एई, आईएएस, आरआरबी जेई, गेट, आरआरबी जो सेक्शन इंजीनियर होता है, इसरो, डीआरडीओ, पीएसयू एंड अदर जो एग्जाम्स हैं, उन सबके क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो लाइक करके शेयर करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।